हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ किया गया ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में जो कि ICMR NIRE रिलीज़ किया है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की जो मॉलिकुलर टेक्निक्स है वो आपको जो है यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। अब मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स से जैसे आपका SDS पेज रन करना, आपका PCR रन करना, आपका आइसोलेशन ऑफ DNA RNA, ये सब चीज़ें जो हैं, और या आपका हम बोल सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो इन सब की जो टाइप की टेक्निक है वो आप यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो आप सीख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं, अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस भी इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे आपका वो साइंटिस्ट रिलेटेड पोजिशन हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट रिलेटेड प्रोफेसर रिलेटेड पोजीशन हो, या आपका जो है BSc MSc या PhD रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनके वीडियोज़ उनके नोटिफिकेशन हो, उनको मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR JRF ICMR JRF DVT JRF GATE या NEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको भी रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो रेगुलरली आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पर क्लिक करना है, देखिए इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप डालेंगे NIREs.ICMR.org, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर टेम्प्रेरी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस भी यहाँ पे निकाली है। इसके अलावा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्वायरमेंटल बायो मॉलिकुलर साइंसेज और डेट जो है वो December 1 to 10, 2021। तो यहाँ पे हम देख लेते सबसे पहले ब्रोशर डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म को भी देखेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे जो ब्रोशर है वो डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल मॉलिकुलर साइंसेस, और जो डेट है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो है 1 December to 10 December 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपको कोर्स कंटेंट करने को मिलेगा या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगा आपका। तो यहाँ पे बेसिक एंड फंडामेंटल टेक्निक्स जो भी आपको सिखाई जाएंगी, जो कि अगर आप PhD में भी इन्वॉल्व होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये सारी टेक्निक्स जो है वो यूजफुल रहेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेशन क्वांटिफिकेशन DNA RNA, मल्टीप्लेक्स PCR, हॉट स्टार्ट PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR, रिपीटेटिव सीक्वेंस बेस्ड PCR, लॉन्ग रेंज PCR, रियल टाइम PCR, मल्टीप्लेक्स RT-PCR, मेथाइलेशन स्पेसिफिक PCR, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्टली हम इसे देखते हैं कि आपका जो DNA जो है वो एम्पलीफाई हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए देखते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर जीन है वो एम्पलीफाई हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए जो हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करते हैं। इसके अलावा आइसोलेशन क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फिर आपको प्रोटीन यहाँ पे आइसोलेट करके और क्वांटिफाई करके दिखाया जाएगा बाय यूजिंग ब्रेडफोर्ड, या आपका लाउरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आपको प्रोटीन यहाँ पे क्वांटिफाई करने के लिए। उसके बाद उसी प्रोटीन को रन करेंगे SDS पेज पे, और उसके बाद जो है उस जेल को रन ट्रांसफर कर देंगे वेस्टर्न ब्लॉट के लिए, यानी कि प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए या देखने के लिए कि प्रोटीन जो है उसका क्या क्या जो चेंजेस आए हैं। तो ये सब आप डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स अगर देंगे तब आप जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मली अगर सीखने की बात करें तो आप कोई भी जो प्रोटीन्स हो, चाहे आपका प्लांट हो एनिमल से, आप आइसोलेट करके क्वांटिफाई करके उसको SDS रन कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो है ब्लॉट आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी, आपके जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा आप उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिक होती हैं उनके थ्रू जो है आप वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सेल कल्चर, सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेटिव इंडेक्स, DNA डैमेज एपोप्टोसिस, ऐसे DNA सिक्वेंसिंग, तो इस टाइप के जो है आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो स्टूडेंट परसुइंग PG इन बायोलॉजिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड मेडिकल साइंस आर इनकरेज टू अप्लाई। तो अगर आप जो है PG बायोलॉजिकल साइंसेस में कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि ये सारी टेक्निक जो है आपको यहाँ पे PhD में जो है आपको यूजफुल रहेंगी। तो अगर बात करें सीट्स की, तो यहाँ पे ओनली 25 सीट्स हैं, तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद द नेसेसरी इनक्लोजर शुड बी सबमिटेड थ्रू ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू जो है आपको अपना जो आपका इनक्लोजर्स हैं, चाहे आपका आपका मार्कशीट हो MSc का, या आप जो अगर परस्यू कर रहे हैं तो आप जो है अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सेंड कर देना है थ्रू द ईमेल टू academic.nires@gmail.com ऑन और बिफोर 21 नवंबर। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 21 नवंबर है। इसके अलावा देखिए सिलेक्शन जो है वो आपका प्रोसीजर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बेस्ड अपॉन
क्रेडेंशियल्स ओनली द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेस्टेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे बीएससी की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। अगर आप एमएससी सेकंड ईयर में तो एमएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यूज कर सकते हैं, अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में तो आप बीएससी की मार्कशीट जो है वो आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फी की, तो रजिस्ट्रेशन फी आपका रहेगा 3,500 जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी लॉजिंग बोर्डिंग या ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपना खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस हैंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आपको 10th 12th बीएससी या बीटेक, अगर आपका बीएससी कंप्लीट कर चुके तो बीएससी या बीटेक का कंप्लीट कर चुके हैं तो उसका बोर्ड ईयर डिवीजन परसेंटेज कितना आपने ऑब्टेंड किया वो, अगर आप एमएससी भी कंप्लीट कर सके हैं तब भी आपको यहाँ पे जो है एमएससी जो है का सारा डिटेल देना पड़ेगा, जैसे आपका बोर्ड या कॉलेज यूनिवर्सिटी ईयर डिवीजन परसेंटेज ऑब्टेंड, ठीक है। तो अगर आप एमएससी में हैं अभी तो आप जो है बीएससी की यहाँ पे जो है डिटेल दे सकते हैं, अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया तो आप एमएससी की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को और आपका जो भी लाइक सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स है उस सबको आज जो है आपको सिंगल पीडीएफ फाइल बना के आपको सेंड करना है academics.nirh@gmail.com पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंड करना है और लास्ट डेट जो है 21 नवंबर 2021 है आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।